सो हेलो गाइस, मैं हूं साहिल गफूर, से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हमारे पास है वीवो X70 Pro Plus और मैंने इस फोन को लेकर डे और नाइट टाइम में अलग अलग फोटोज और वीडियो शूट किए हैं, तो उन सबका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और गाइस, मैंने अलग अलग पार्ट्स में वीडियोज को रिकॉर्ड किया है, तो मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि सब चीज़ें समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। और बात करें X70 Pro Plus की, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको सैमसंग G N1 का सेंसर मिलता है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, जिसके हेल्प से आप मैक्रो शॉट्स भी ले पाओगे। साथ में जिम्बल की स्टेबलाइजेशन भी आपको इसी सेंसर में मिलती है। 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। और गाइस, साथ ही यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में जाइस ऑप्टिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है कैमरा के मामले में। इसके अलावा यहाँ पे आपको टी स्टार की एक कोटिंग देखने को मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा पे, जिससे जो लो लाइट की इमेजेस है अच्छे निकल के आने वाले हैं। साथ में जो रिफ्लेक्शन वगैरह है फोटोज़ में, वो भी बहुत ही कम होने वाला है। और वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो स्मार्टफोन में सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और गाइस, यहाँ पे जो X70 Pro Plus है, इसमें वीवो ने अपने एक स्पेशल V1 चिप का यूज़ किया है स्पेशली कैमरा के लिए, जिससे आपको जो लो लाइट इमेजेस हैं, कलर्स वगैरह हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स हैं, वो और अच्छे निकल के आने वाले हैं। और वो जो V1 चिप है, वो स्पेशली कैमरा के लिए ही इस स्मार्टफोन में लगाई गई है, और वो चिप जो है फ़ोन को कैमरा की प्रोसेसिंग में हेल्प करेगी। लेकिन ये चिप आपको वीवो X70 Pro में देखने को नहीं मिलती। फ़ोन की स्क्रीन पर आपको कोई भी फोटो वीडियो नज़र नहीं आएंगे, मैं डायरेक्टली फ़ोन में जो भी फोटोज़ वीडियोस क्लिक किए हैं यहीं से दिखाने वाला हूं। क्योंकि गाइज, अगर मैं स्क्रीन पे कोई भी फोटो वीडियो शेयर करता हूं, तो आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी में देखने के बाद ही उनकी ओरिजिनल क्वालिटी का पता लगेगा। लेकिन यहां पे आप बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज़ा लगा सकते हो फोटो वीडियोज़ को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट में गाइज, ये आप देख सकते हो, ये फ्रंट कैमरा की फ़ोटो है नाइट टाइम में। कोई भी नाइट मोड मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, फ़ोटो बिल्कुल ठीक निकल के आई है और अंधेरा जो है बहुत ही ज़्यादा था, बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी। लेकिन वहीं मैं बात करूँ नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है। बैकग्राउंड का एरिया आप देख पाओगे बिल्कुल डार्क था, लेकिन नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद बैकग्राउंड एरिया भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और स्किन यहाँ पर जो है थोड़ा स्मूथ हो जाती है नाइट मोड में। लेकिन जो क्लियरिटी है, ब्राइटनेस है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और आप ये कह नहीं सकते इस फोटो को देखने के बाद कि ये नाइट मोड की फ़ोटो है। और करीब रात के 2 बजे मैंने इस फोटो को शूट किया था। सो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्किन थोड़ा स्मूथ हो चुकी है, लेकिन वैसे ऑल ओवर रिजल्ट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं नाइट मोड में फ्रंट कैमरा के। और नेक्स्ट, ये आप नाइट टाइम में फ्रंट कैमरा की नॉर्मल वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने कोई भी नाइट मोड एक्टिवेट नहीं किया था। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है वीडियो में, और कुछ ऐसा ही एक्चुअल अंधेरा था फोटोज़ क्लिक करते टाइम भी। तो आप देख सकते हो शक्ल जो है, फेस जो है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और ये जो है मैंने नाइट मोड को एक्टिवेट किया था फ्रंट कैमरा में, लेकिन उसमें मेरे को खासा फ़र्क नहीं लगा फ्रंट कैमरा के नाइट वीडियो मोड में। रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं थे, बिल्कुल सेम थे नॉर्मल वीडियो के और नाइट मोड एक्टिव करने के बाद भी। और गाइस, ये बैक कैमरा की फ़ोटो है नाइट टाइम की, और बैक कैमरा में आपको देखने को मिलता है जो नाइट के टाइम नॉर्मल मोड में भी आप फ़ोटो शूट करोगे तो वो और बेटर निकल के आने वाली है। आप देख सकते हो बिल्कुल डे टाइम का ये फ़ोटो लग रहा है, लेकिन वहीं मैंने नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद फ़ोटो क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन फिर से थोड़ा स्मूथ हो चुकी है, लेकिन फ़ोटो काफ़ी क्लियर निकल के आई है। और थोड़ा कार्टून इफेक्ट यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद। फ्रंट कैमरा में भी कुछ ऐसा ही था और बैक कैमरा में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन फ़ोटोज़ की जो क्लियरिटी है और ब्राइटनेस वगैरह है काफ़ी सही निकल के आई है। आप देख सकते हो बैकग्राउंड वगैरह को, और ये मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देता हूँ बैक कैमरा की नाइट मोड की फ़ोटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरिटी वाकई में काफ़ी शानदार है। और गाइज, नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं बैक कैमरा की वीडियो है नॉर्मल मोड में, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, जो फेस है वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आने वाला। ये ही कुछ रिजल्ट्स फ्रंट कैमरा में भी थे, लेकिन जब मैंने इसका नाइट मोड एक्टिव किया तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स कितने बेहतरीन थे। जो फेस है वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छे से विजिबल है। सो गाइज़, जो नाइट मोड है वीडियो मोड में बैक कैमरा का, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। और गाइज, नेक्स्ट ये आप एस्ट्रो मोड की फ़ोटो देख सकते हो, जो स्टार्स वगैरह हैं वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहे हैं क्लियरली। और मैंने सुपर मून में भी फ़ोटोज़ क्लिक करने का सोचा था, लेकिन मुझे मून कहीं नहीं नज़र आया। सो एस्ट्रो मोड काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आप देख सकते हैं।
और इससे नेक्स्ट गाइज ये नाइट मोड में बैक कैमरा का दूसरा सैंपल है। इसमें जो ये आप पीछे वॉल देख रहे हैं बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी रात के टाइम में, लेकिन कैमरा में जो फोटो क्लिक किए तो बिल्कुल एकदम शाम के टाइम का ये वक्त आप कह सकते हो ऐसा नज़र आ रहा है। और नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद भी कुछ रिजल्ट्स आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं। सो गाइज काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं फ़ोन के बैक कैमरा के नाइट मोड में। और गाइज नेक्स्ट ये फ्रंट कैमरा के डे टाइम के फ़ोटोज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह डे टाइम में भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुआ है, साथ ही स्किन टोन वगैरह बिल्कुल सही है। और वहीं मैं बात करूँ बोके इफेक्ट की, तो यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा का बोके इफेक्ट देख सकते हैं, एजेस वगैरह बिल्कुल शार्प है, कहीं पे भी आपको जो एजेस वगैरह है वो ख़राब नज़र नहीं आएंगे फ़ोटो में। तो फ्रंट कैमरा का जो बोके इफेक्ट है काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, क्वालिटी और क्लियरिटी दोनों शानदार निकल के आती है। और गाइज नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा की वीडियो देख सकते हो। गाइज यहाँ पे फ्रंट कैमरा में एक चीज़ मिसिंग है कि स्टेबलाइजेशन यहाँ पे नहीं दी गई, चाहे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की हेल्प से देना चाहिए था, लेकिन देना ज़रूर चाहिए था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी निकल के आती है फ्रंट कैमरा में। और व्लॉगर्स वगैरह अगर इस फ़ोन को यूज़ करते हैं व्लॉग शूट करने के लिए फ्रंट कैमरा से, तो ये शायद उनके काम नहीं आने वाला। बाकी जो कलर्स वगैरह हैं क्लियरिटी है वो यहाँ पे ठीक मेंटेन होती है फ्रंट कैमरा में, बस स्टेबलाइजेशन की थोड़ी कमी महसूस होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप फोटो जो देख रहे हो, ये फ़ोन में एक हाई रेजोल्यूशन मोड दिया गया है, उसमें ये मैंने फ़ोटो क्लिक की है और इस मोड में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो अपने आप अप्लाई हो जाता है। साथ में यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है वो थोड़ा बूस्ट होके मिलते हैं आपको हाई रेजोल्यूशन मोड में। बाकी जो क्लियरिटी है फ़ोटो की वो काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं जूम करने के बाद भी कितना अच्छे से आप फेस को देख सकते हैं, पिक्सल्स जो है जूम करने के बाद भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। तो जो हाई रेजोल्यूशन मोड है वो वाकई में सही काम करता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अच्छे क्वालिटी के फ़ोटोज़ लेने के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे आप ये बैक कैमरा का ब्लर इफेक्ट देख सकते हैं, बोके मोड देख सकते हैं, जो बैकग्राउंड ब्लर है काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुआ है आप देखोगे, और जो एजेस वगैरह है वो बिल्कुल शार्प है। बस यहाँ पे गाइस मेरे को महसूस होता है थोड़ा जो स्किन टोन है वो वाइट बैलेंस थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाकी इसके अलावा जो कलर्स वगैरह है वो यहाँ पर ठीक है। और वहीं मैं बात करूँ नॉर्मल मोड की बैक कैमरा की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक कैमरा का ये नॉर्मल मोड है, इसमें भी फ़ोटो जो है काफ़ी अच्छा निकल के आई है, कलर्स वगैरह सही मेंटेन हुए हैं, क्वालिटी क्लियरिटी जूम करने के बाद भी आप देख सकते हो काफ़ी सही है। और नेक्स्ट ये आप बैक कैमरा का अल्ट्रा वाइड एंगल देख सकते हो। गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो कलर वगैरह है उसमें आपको कोई भी शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो शर्ट का जो कलर है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो बिल्कुल सेम मेंटेन है, और जो क्लियरिटी है क्वालिटी है फ़ोटो की उसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फिट्स तक को यहाँ पे कवर कर लिया अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में। सो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ जो है अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ शूट कर सकते हो बैक कैमरा में, और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। और गाइस नेक्स्ट ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फ़ोन में आपको कैमरा यूआई में ज़ाइस के नाम से अलग से ऑप्शन मिलता है, उसमें अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो जो कलर्स वगैरह है वो थोड़े नेचुरल आपको मिलने वाले हैं, यानी कि क्लोज टू नेचुरल होंगे, एग्जैक्ट नेचुरल तो नहीं मिलने वाले। सो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत डिफरेंस देख सकते हैं, जो कलर टोन है उसमें जो शर्ट का कलर है स्किन टोन है वो थोड़ा सा आपको डाउन नज़र आएगा, तो इस ज़ाइस ऑप्टिक्स में आप नेचुरल कलर्स के साथ फ़ोटो लगभग क्लिक कर पाओगे। और गाइस मैं आपको आगे वीडियो के एंड में जो कैमरा यूआई के सभी फंक्शंस है वो अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ। और गाइस नेक्स्ट आप फ़ोन के 48 मेगापिक्सल्स वाले कैमरा से ही मैक्रो शॉट ले पाओगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने मैक्रो शॉट लिया था, कितना शानदार ये मैक्रो शॉट निकल के आया है, एक एक डिटेल आप जो है काफ़ी अच्छे से नोटिस कर पाओगे, तो मैक्रो शॉट्स में फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये आप नॉर्मल मोड की फ़ोटो देख सकते हो बैक कैमरा में, और इसी के साथ ये 5x ऑप्टिकल जूम आपको देखने को मिल जाता है। 5x ऑप्टिकल जूम में होगा क्या कि जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो सेम मेंटेन रहती है, लेकिन अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे आपको 60x डिजिटल जूम मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हो फ़ोटो की क्वालिटी कुछ ऐसी है। और फ़ोटो लेते वक्त आपको जो है हाथों को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना होता है 60x जूम में, तो क्लियरिटी तो इतना खास नहीं है 60x जूम में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बाकी स्टेबलाइजेशन भी बहुत मुश्किल है गेन करना 60x जूम के साथ। और गाइज नेक्स्ट ये जो फ़ोटो देख रहे हो, कैमरा यूआई में आपको एक AI सीन एनहेंस का ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर आप इनेबल करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इजीली नोटिस कर सकते हो जो कलर्स वगैरह है उसमें आपको बूस्ट मिलने वाला है। देखोगे आप जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रीन है, रेड कलर थोड़ा ज़्यादा रेड है, और स्किन टोन भी आप थोड़ा जो कलर कंट्रास्ट है वो एक्स्ट्रा देख सकते हो, तो AI सीन ऑप्टिमाइजेशन में आपको कलर बूस्ट मिल जाता है। और गाइज नेक्स्ट ये फ़ोन के बैक कैमरा के नॉर्मल मोड की फ़ोटो है, और नॉर्मल मोड में भी जो जिम्बल स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, आप देख सकते हो जो मैं चल रहा हूँ वो मूवमेंट, और फ़ोन को जो मैं
ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं घुमा रहा हूँ तो उसमें भी काफ़ी स्मूथ इफेक्ट मेरे को मिल रहा है। और नेक्स्ट फ़ोन में जो है आपको सुपर स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कितनी स्मूथ वीडियो निकल के आ रही है सुपर स्टेबलाइजेशन मोड में। और गाइस थोड़ा सा जूम जो है कैमरा हो जाता है जैसे जैसे आप स्टेबल मोड एक्टिव करते हो, स्टैंडर्ड स्टेबल मोड, अल्ट्रा स्टेबल मोड, तो वीडियो जो है थोड़ा एक्स्ट्रा जूम हो जाता है स्टेबलाइजेशन गेन करने के लिए। और साथ ही गाइस ये जो नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हो ये 8K 60fps में है और ये जो वीडियो की क्लियरिटी है काफ़ी अच्छी निकल के आती है 8K 60fps में, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा मेरे को कम महसूस होती है इस मोड में। लेकिन अगर आप कहीं स्टिल फ़ोन को रख के वीडियोज़ वगैरह शूट करते हो 8K में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 8K के साथ। और गाइज नेक्स्ट ये वीडियो आप देख सकते हो स्लो मोशन में है और स्लो मोशन में क्लियरिटी काफ़ी सही है फ़ोन की, तो आप अच्छे स्लो मोशन वीडियोज़ जो है फ़ोन के साथ शूट कर पाओगे। और गाइज नेक्स्ट ये जो फोटो आप देख रहे हो ये मैंने प्रो स्पोर्ट्स मोड में क्लिक की थी और मैंने दौड़ते हुए ये फ़ोटो क्लिक की थी और कम से कम मैंने 2-3 बार इस फोटो को क्लिक करके देखा इस टाइप से दौड़ते हुए, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि इतनी क्लियर फ़ोटो दौड़ते हुए नज़र आ जाएंगे, क्योंकि एक ब्लर इफेक्ट जो है रह ही जाता है फ़ोटोज़ में। लेकिन यहाँ पे 2-3 बार बहुत ही क्लियर फ़ोटोज़ निकल के आए। सो प्रो स्पोर्ट्स मोड का यूज़ करके आप जो है क्लियर फ़ोटोज़ निकाल पाओगे भागते दौड़ते हुए भी। और गाइज इसके अलावा आपको फ़ोन में कुछ अदर इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप से आप अप्लाई करके फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ये अल्ट्रा वाइड एंगल में एक और शॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैंने कहा था कलर्स वगैरह में कोई चेंज नहीं है, क्लियरिटी भी बिल्कुल मेंटेन रहती है। गाइज यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो वीवो का X70 Pro है, इसमें आपको वीडियो में बोके इफेक्ट दिया गया है फ्रंट और बैक दोनों ही कैमराज में, लेकिन वीवो X70 Pro Plus में मेरे को बोके इफेक्ट जो है वीडियो में नहीं देखने को मिला। अब मेरे को पता नहीं है ये क्यों मिसिंग है इसमें, और हो सकता है शायद से मेरे को ऑप्शन ना मिला हो, लेकिन मैंने पूरा ढूंढ लिया है मेरे को कहीं पर ये ऑप्शन नहीं मिला। गाइज इसके अलावा फ़ोन के फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन मोड नहीं है जो कि होना चाहिए था, क्योंकि व्लॉगर्स वगैरह अगर फ़ोन को यूज़ करेंगे तो उनको स्टेबलाइजेशन तो चाहिए वीडियो में। और गाइज बाकी इसके अलावा फ़ोन के जो भी फोटोज़ वीडियोज़ मैंने आप लोगों को दिखाए तो काफ़ी शानदार यहाँ पे रिजल्ट्स आपको वीवो X70 Pro Plus में मिलने वाले हैं। आप अगर कैमरा परफॉर्मेंस के हिसाब से फ़ोन को ले जाना चाहते हो और स्पेशली बैक कैमरा के हिसाब से, तो आप फ़ोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको फ़ोन के जो बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, यहाँ पे चारों ही कैमराज में OIS का सपोर्ट मिलता है, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, प्लस में एक कैमरा में आपको जिम्बल का सपोर्ट दिया गया है। चलिए सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं फ़ोन के कैमरा की तरफ और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हमें हाई रेजोल्यूशन मोड देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ से हम एक्स्ट्रा HD फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं जिनकी क्वालिटी और बेटर मिलने वाली है। साथ ही नेक्स्ट तो यहाँ पे नाइट मोड दिया गया है और नाइट मोड में हमें ट्राईपोड मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइज अगर हम रात के वक्त में ट्राईपोड पे फ़ोन को रख के फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं तो क्लियरिटी और भी अच्छी आने वाली है। नेक्स्ट पैनो मोड यहाँ पे है, यानी कि हम नाइट मोड में भी एक वाइड एरिया को फ़ोटो में कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग एक्सपोजर के साथ हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो लाइट इफेक्ट के साथ, जैसे हम रात को ट्रैफिक वगैरह की फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो लाइटें हमें लंबी लंबी लगती है ना, तो कुछ उस टाइप की फ़ोटोज़ हम यहाँ से क्लिक कर पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें सुपर मून मोड और एस्ट्रो मोड मिल जाता है, यानी कि मून का काफ़ी अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं हम यहाँ से और स्टार्स वगैरह की भी। इससे नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड में हम चले तो यहाँ पे हमें HDR का सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही पोर्ट्रेट मोड में भी हमें नाइट मोड का सपोर्ट मिल जाता है और इसके अलावा HD पोर्ट्रेट ऑटो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हमें कुछ फिल्टर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में भी, ब्यूटी मोड यहाँ पे दिया गया है, साथ में बोके इफेक्ट जो है बैकग्राउंड ब्लर जो होता है वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा होना चाहिए कितना कम होना चाहिए। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ोटो मोड में, तो फोटो मोड में गाइस यहाँ पे हमें गूगल लेंस का सपोर्ट मिल जाता है और गूगल लेंस से हम जो फ़ोटोज़ वगैरह के टेक्स्ट हैं वो कॉपी कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं, QR कोड स्कैन कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो फ़ोटो क्लिक करके जान सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें AI हाईलाइट मोड मिलता है, यानी कि AI सीन ऑप्टिमाइजेशन, अगर इसको हम इनेबल करते हैं तो जो कलर्स वगैरह हैं वो हमें बूस्ट होकर मिलते हैं और फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ा और बेटर मिलने वाली है। और गाइज इसके अलावा यहाँ पे हमें ZEISS का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि X70 Pro में नहीं दिया गया, और अगर इसको इनेबल करने के बाद आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करते हो तो बिल्कुल नेचुरल कलर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे मैक्रो शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो आप इसी फ़ोन से मैक्रो शॉट भी ले पाओगे। साथ में हम चले वीडियो मोड में, सो इस वीडियो मोड में यहाँ पे हमें HDR मोड मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन दी गई है, सुपर स्टेबलाइजेशन भी दी गई है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमें एक फीचर देखने को मिलता है गाइज,
हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर होगा क्या, अगर आप इस फीचर को इनेबल करते हो और आप फ़ोन को रोटेट करते हुए वीडियो बनाओगे तो ये फ़ोन की जो वीडियो है वो रोटेट नहीं होगी, वो ऐसे ही रहने वाली है हॉरिजॉन्टली, चाहे आप फ़ोन को पूरा राउंड रोटेट कर दो। और गाइस स्टेबलाइजेशन का आप सभी लोगों को पता है, जो वीडियो की क्वालिटी है वो स्मूथ आती है बिल्कुल निकल के। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें सुपर नाइट मोड दिया गया है, यानी कि हम सुपर नाइट मोड में वीडियोस वगैरह भी कैप्चर कर पाएंगे, जिससे वीडियोस की क्वालिटी और इनहेंस होकर हमें मिलने वाली है। और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं प्रो मोड में। और गाइस अगर आप खुद से कैमरा की एडजस्टमेंट करके जैसे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, फोकस वगैरह फोटोज़ क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ से कर पाओगे प्रो मोड में आने के बाद। और नेक्स्ट अगर हम चलें मोर के ऑप्शन में तो यहाँ पे हमें पैनोरामा मोड मिल जाता है, लाइव फोटो हम यहाँ से क्लिक कर पाएंगे, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, एआर स्टिकर्स हैं, सुपर मून मोड यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट्स की फोटोज़ हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, एस्ट्रो मोड है यानी कि स्टार्स वगैरह की फोटो हम यहाँ से क्लिक कर पाएंगे। प्रो स्पोर्ट्स, गाइस अगर आप प्रो स्पोर्ट्स मोड में फोटोज़ क्लिक करते हो तो आप भागते हुए, दौड़ते हुए किसी के भी फोटोज़ क्लिक करना चाहो तो क्लियर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और इसके अलावा लॉन्ग एक्सपोजर, जो कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, डबल एक्सपोजर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो डबल एक्सपोजर में आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पे वीडियो मोड में हो और इन थ्री लाइंस पे टैप करते हो तो यहाँ से आप वीडियो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। और गाइस इस फोन से हम 8K तक वीडियो शूट कर सकते हैं 30fps के साथ, और 4K तक वीडियो शूट कर सकते हैं 60fps के साथ। और इसके अलावा हम चलें सेटिंग्स की तरफ तो यहाँ पे हमें शटर साउंड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही मिरर सेल्फी यहाँ से हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जो कि सिर्फ फ्रंट कैमरा में वर्क करती है। और स्टेबलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है, गाइस इसे आप इनेबल कर लीजिएगा, जो कैलिब्रेशन है क्योंकि इसमें जिम्बल कैमरा दिया गया है तो उसकी कैलिब्रेशन ऑटोमेटिकली होती रहेगी। साथ ही वाटरमार्क यहाँ पे दिया, से हम मैन्युअली वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं, साथ ही टाइम और फ़ोन का जो वाटरमार्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस वहीं अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, जैसे हाई रेजोल्यूशन मोड फ्रंट कैमरा में नहीं है, लेकिन नाइट मोड में आप फोटो क्लिक कर पाओगे फ्रंट कैमरा से भी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और मोड्स देखने को नहीं मिलेंगे। और पोर्ट्रेट मोड भी यहाँ पे दिया गया है फ्रंट कैमरा में, फोटो मोड में आप फोटो शूट कर सकते हो, वीडियो मोड में, जैसे वीडियो मोड में यहाँ पे मूवी का जो मोड है वो नहीं है, स्टेबल मोड नहीं है, तो ये सब आपको नहीं देखने को मिलेगा फ्रंट कैमरा में। और मोर के ऑप्शन में चले तो यहाँ पे आप लाइव फोटो वगैरह क्लिक कर पाओगे, बस स्लो मोशन वगैरह आप फ्रंट कैमरा से नहीं कर पाओगे। सो गाइस फ्रंट कैमरा में आपको यहाँ पे जो है स्टेबलाइजेशन वगैरह मिलनी चाहिए थी। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा कि स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलती। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो वीवो X70 Pro Plus के कैमरा को लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और बाकी अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।